दस हजार से ज्यादा लोग मर गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे थे। खाने के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। ये तो वही हो गया ना कि आपको रहने के लिए जगह दी, सहारा दी, और आपने हमें ही बेसहारा कर दिया। तो एक इंटरनेशनली एक डिसग्रेसमेंट है ह्यूमैनिटी के नाम पर, इंसानियत के नाम पर। अब कोई भी किसी को सहारा देने से पहले सोचेगा कि हम सहारा देंगे, कहीं हमें ही बेसहारा ना कर दिया जाए। मैंने एक कोट पढ़ा, यू डोंट हैव टू बी मुस्लिम टू बी स्टैंडिंग अप फॉर फिलिस्तीन, यू जस्ट हैव टू बी ह्यूमन। इसका मतलब है कि आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं है फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होने के लिए। आपको सिर्फ मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, आप इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत है, उतना भी काफी है। क्योंकि वहां पर जो हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ चीजें हो रही है। पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग मिलकर ना इंटरनेशनल वॉर रूल्स डिसाइड करते हैं, जिसमें वॉर में भी, जब वॉर होती है दो मुल्कों के बीच में जंग होती है, तो उसकी भी कुछ हदें होती है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल वॉर रूल्स। उसको पार कर दिया गया, जो इंटरनेशनल ह्यूमन लॉज होते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसकी सारी हदें पार कर दी गई है वहां पर। तो हम सब यहाँ पर मौजूद है ये गवर्नमेंट को बताने के लिए, गवर्नमेंट इंडियंस, ये गवर्नमेंट को देने के लिए मैसेज कि हम इंडियंस फिलिस्तीन के साथ हैं। इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हम ये इंटरनेशनली बताना चाहते हैं कि हम इंडियंस फिलिस्तीन के साथ हैं। हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने मदद पहुंचाई है फिलिस्तीन के लोगों के लिए, एड पहुंचाया है, बट हम ये भी जानते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा देश इससे कहीं ज़्यादा करने के काबिल है। जैसे इस्लाम, हमारा इस्लाम जो हमें सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ आप रहिए, जिसके साथ गलत हुआ है आप उसके साथ हमेशा खड़े रहिए, ना इंसाफी के खिलाफ खड़े रहिए, वैसे ही हमारे देश की हिस्ट्री रही है कि वो हमेशा सही के साथ खड़ा रहा है, हमेशा जिस पर जुल्म हुआ है उसके साथ खड़ा रहा है। अगर हम हमारे देश की हिस्ट्री देखें तो जो हमारे लीडर्स रह चुके हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जो पर्सनैलिटीज रह चुके हैं रिस्पेक्टेबल, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनका स्टैंड स्ट्रेट फिलिस्तीन की तरफ रहा है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, क्लियर एकदम जैसे लिखे हुए वैसे ही। महात्मा गांधी जी ने हरिजन में लिखा था, फिलिस्तीन बिलोंग्स टू द अरब्स इन द सेम सेंस दैट इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश और फ्रांस बिलोंग्स टू फ्रेंच। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन अरब की जगह है, जैसे इंग्लैंड इंग्लिश लोगों की जगह है और फ्रांस फ्रेंच लोगों की जगह है। उसके साथ हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था 1936 में, ज़ायनिस्ट एग्रेशन अगेंस्ट फिलिस्तीन इज रॉन्ग, जो एग्रेशन वहां पर फिलिस्तीन के लोगों पर दिखाया जा रहा है वो गलत है। जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर से एक फिलिस्तीन इज एसेंशियली एन अरब कंट्री एंड मस्ट रिमेन सो, मतलब फिलिस्तीन एक अरबी कंट्री है और उसको वैसा ही रहना चाहिए। और हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी उसके लिए। तो इसी तरह हम यहाँ पर मौजूद हुए, हम अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे गवर्नमेंट में, हमारे मुल्क में अभी वो बात है कि वो इंटरनेशनली ये बात को स्ट्रांगली पुट कर सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इंटरनेशनली इस चीज को स्ट्रांगली कंडेम करे, स्ट्रांगली बताए कि हम लोग फिलिस्तीन के साथ हैं और जो वहां पर हो रहा है वो पूरा पूरा गलत हो रहा है। और रही बात इस्लाम और टेररिज्म की, तो इस्लाम का ना कभी टेररिज्म से कोई रिश्ता था, ना है, ना कभी होगा। ये एक फेक नैरेटिव क्रिएट कर दी गई है, टेररिज्म को इस्लाम से जोड़ने की एक फेक नैरेटिव
क्रिएट कर दी गई है, जबकि इस्लाम वो मजहब है जो मोहब्बत फैलाता है, जो रस्ते से पत्थर उठाना सिखाता है, जो मिस्कीन को खाना खिलाना सिखाता है, जो यतीम के सर पे हाथ फेरना सिखाता है, और जो अपने देश से, अपनी जमीन से, अपने मुल्क से वफादारी करना सिखाता है। बहुत लोग ऐसे मुझे कहते हैं कि एक पोस्ट से हम जो सेलिब्रिटीज और सारे लोगों को फॉलो करते हैं, पिछले 33 डेज में मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत सारे लोगों ने यही बोल के बस पीछे हट गए कि हम पोस्ट करेंगे अगर उसके बारे में तो क्या ही हो जाएगा जो होगा। एक कि अगर आप ताकतवर हैं तो जो हो रहा है आप उसको अपनी ताकत से रोको जाके हाथ से। दूसरा कि आप जोर से आवाज, जोर आवाज से आप बोलिए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और तीसरा, अगर आपके दिल में राय बराबर भी ईमान है, जमीर है, तो आप महसूस करें कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम ईमान के दूसरे दर्जे पे मौजूद है यहाँ पर, कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। मस्जिद अक्सर हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ये बोले लबैक 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 या अक्सा, लबैक 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 या अक्सा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआओं से तकदीर बदलती है। काफी लोग ये बोलते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है वो उनकी तकदीर में, बट मुझे यकीन है कि हमारी दुआओं से उनकी तकदीर जरूर बदलेगी इंशाल्लाह। वो हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे सो रहे हैं चुप हो जाए, बट जब बच्चे मर रहे हो जब बच्चे मर रहे हो तो चुप नहीं रहा, तब चुप नहीं रहना चाहिए। हम सबको आवाज उठानी चाहिए जब कभी भी, अगर बात मक्का पे आएगी, अगर बात मदीने पे आएगी, अगर बात हमारे रसूल पे आएगी, पैगंबर पे आएगी, तो मैं आवाज उठाऊंगी। और मुझे यकीन है कि आप सब मेरे साथ आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये हक हमें, क्योंकि ये हक हमें हमारा रिलीजन भी देता है, हमारा इस्लाम भी देता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये हक देता है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मेरी माँ बहन, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि हम आगे आके मिलजुल कर हर बेहतर काम करें साथ में। क्यों नहीं कर सकते हम अपने हुदूद में, अपने डिग्निटी में रहकर बेहतर काम क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। जो हमको अपनी डिग्निटी में है उसके हिसाब से हम हर अच्छी चीज के लिए काम कर सकते हैं। मैं जानती हूँ हम दुनिया को नहीं बदल सकते, पर हम शुरुआत को अपने से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से कर सकते हैं ना। हम अपने शहर से नशा खत्म कराने की कोशिश कर सकते हैं, हम अपने शहर में गंदगी खत्म कराने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर सकते हैं, हम अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं, हम नमाज पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, हम सच बोलने की कोशिश कर सकते हैं, हम किसी का हक उसको पहचानने की कोशिश कर सकते हैं, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी का हक ना माने, कोशिश कर सकते हैं, हमको कोशिश करनी है। और मैं तो हमेशा कोशिश करूंगी, मुझे यकीन है कि आप सब मेरी कोशिश में इंशाल्लाह। बस मैं डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि डिपार्टमेंट ने हमारे साथ कोऑपरेट किया इस इस्तेमाई दुआ के लिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमारी पूरी टीम का, मैनेजमेंट का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग आए, आप लोगों ने हमारे इस्तेमाई दुआ में हिस्सा दिया। पढ़े जो भी लोग वहां पर शहीद हुए हैं उनके लिए हम एक मिनट सलामी देंगे, हमको उनको सलाम करना चाहिए, उनके जज्बे को, उनके यकीदे को, क्योंकि हमारे साथ जब कुछ भी हादसा हो जाता है, छोटा छोटा मोटा भी अगर हमारे ऊपर आजमाइश आ जाती है तो हम नाराज हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं कि हमसे क्या हो गया कि हमारे ऊपर ये अल्लाह ताला ने फैसला उतारा। पर आप देखिए वहाँ के लोगों पर, उनके साथ जो भी हो रहा है उसके बाद भी उनके चेहरे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बस सब लोग खड़े हो जाएंगे सलाम के लिए, एक मिनट का हम लोग सलाम करेंगे, उसके साथ उसके बाद दुआ चालू हो जाएगी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सब लोग सलाम के लिए खड़े हो जाइए, जो शहीद हुए हैं हम उनको सलाम करेंगे, उनके जज्बे को सलाम करेंगे। अरे तो
प्लीज सब लोग सलाम कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे हम एक मिनट तक करेंगे. जज़ाकअल्लाह दुआ का इत्माम करेंगे. दुआ के लिए सभी कह चाहिए आइए दुआ से पहले हम आयते करीमा का वर्द करते हैं सभी जो है मिलते पड़े ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد يا بسيط يا كريم يا رحيم يا ستار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اسم الله سبحانه وتعالى تیرے نام لے سکتے لیکن میرے مولا تیرا فضل کرم ہے کہ تو نے اپنا ذکر اپنا نام لینے کی ہم نے گاروں کو توفیق عطا فرمایا تو میرے مولا اپنے اس نام کے صدقے میں اپنے ذکر کے صدقے میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے मेरे मौला को उम्मत मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शीश और मग़फ़िरत फरमा. मेरे मौला हमने अब तक जितने गुनाह किए दिन में रात में पस सहर सगीरा कबीरा मेरे मौला हमारे तमाम तमाम मेरे मौला इला मौला खुश रखने की तौफीक अदा करें लेके आकर के तुझको तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की तौफीक अदा करें. तो हम तमाम से ऐसा काम मिले जिससे तू राज़ी हो जाए तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाए. मेरे मौला हर उस काम से बचा जिससे तू और तेरे प्यारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को अपना हिस्सा अमान अता करना. आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को अपना हिस्सा अमान अता करना. आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को अपना हिस्सा अमान अता करना. मेरे मौला दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है सबकी परेशानी को दूर फरमा सबकी मुसीबतों का खात्मा फरमा तमाम बीमारों को शिफाए कामिल इलाज अता करना. मेरे मन इस बड़े मजमे में मेरे मन जितनी मेरी माँ बहनें खातून खातून मौजूद है मेरे मन हम सब पर मेरे मन अपनी करम की नज़र फरमा हम सब पर अपना फ़ज़्ल फरमा अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा. मेरे मन जिस खास मकसद के तहत हम यहाँ हाजिर हैं उस मकसद में हम सबको कामयाबी और कामयाबी अदा करना. मेरे मन तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान और माल और इज्जत और आप बिलखसूस ईमान की हिफाजत करना. ईमान वाली जिंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा. मेरे मना इतने बड़े बजने में कोई एक तो खातून ऐसी होगी जिसका आना तुझे पसंद होगा जिसका आमीन कहना तुझे पसंद होगा
मेरे बिना उसकी मौजूदगी में, उसकी हाजिर की सदकी में मेरे बिना हमारी दुआओं को अपनी बार में कबूल मेरे बना फसल फरमा, मेहरबानी फरमा, मेरे बना उनकी गैबी मदद फरमा, मेरे बना फिलिस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, मेरे बना फिलिस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, बिलखसूस उनकी जान और मान इज्जत आबरू की मुसलमानों की मदद फरमा, मेरे बना फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, मेरे बना फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, मेरे बना मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के इख्तियार में अता फरमा, फतेह मक्का के सदके में मेरे बना मस्जिद अक्सा को फतेह अता फरमा, मेरे बना मस्जिद अक्सा को फतेह अता फरमा, मेरे बना मस्जिद अक्सा को फतेह अता फरमा, मेरे बना फिलिस्तीन के मुसलमानों की भी मदद फरमा, उन्हें ताकत और कुव्वत आफियत और सलामत की अता फरमा, गैर से उनकी मदद फरमा, मेरे बना मुजाहिदीन की मदद फरमा, उन्हें सब्र जमील अता फरमा, उनके मराते में इजाफा अता फरमा, मेरे बना तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को दीन और शरीयत पर मोहब्बत और सख्ती से अमल कर हम की तौफीक अता फरमा। बेशक मेरे बना ये हम सब के लिए आजमाइश है, मेरे बना हम सब के लिए इस आजमाइश में आसानी अता फरमा, इस आजमाइश के सब्र करने की तौफीक अता फरमा। मेरे बना अपने फजल करम से अपने हकीक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में मेरे बना इस तमाम आने वाली माँ बहनों पर भी खुसूसी करम की नज़र फरमा, मेरे बना सब पर रहम करम आना मामला फरमा, सबकी बख्शिश मगफिरत फरमा, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की बख्शिश मगफिरत फरमा। बेशक मेरे बना ये हमारे गुनाह कि हमारे गुनाह जो हमारी दुआ की कबूलियत में रुकावट है, मेरे बना हम सबके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, तेरी बारगाह में हाजिर हो कि हम किससे तौबा वस्तगफार करते, मेरे बना हमारी बख्शिश मगफिरत फरमा। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वा तुबू इलैक। मेरे बना तमाम गुनाहों से नफरत अता फरमा, नेकियों से मोहब्बत अता फरमा, शरीयत की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। मेरे बना सब पर रहम की नज़र फरमा, सब पर करम की नज़र फरमा, सबकी बख्शिश और मगफिरत फरमा, बिलखसूस बिलखसूस तमाम हाजिर ने महफिल की दिल की हर नेक और जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा, अज़ाब नाज़िल फरमा, दुश्मन आने इस्लाम पर अपना कहर अज़ाब नाज़िल फरमा, मेरे बना यहूदियों पर अपना कहर अज़ाब नाज़िल फरमा, मेरे बना फरिश्तों के जरिए मेरे बना और मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, मेरे बना फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, मेरे बना फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, मेरे बना अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो जो दुआएं मांगी उसे भी कबूल फरमा, और जो कुछ मांगने से रह गया वे शुक्र हर एक दिल की आवाज़ से वाकिफ़ है। जितने लोग वहाँ पर हाजिर आए हैं मेरे बना सबके दिल की हर नेक और जायज़ तमन्ना कबूल फरमा, बिलखसूस 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 मेरे बना हम सभी को दीन की सही समझ अता फरमा, नमाजों से मोहब्बत अता फरमा, सजदे में तड़प अता फरमा, ख्वातीन इस्लाम को मुकम्मल पर्दे की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा, शरीयत में अमल करा होने की तौफीक अता फरमा, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करा होने की तौफीक अता फरमा, उनके प्यारे प्यारे उसवे हसना को अमल में लाने की तौफीक अता फरमा, मेरे बना उनके उसवे हसना को अमल करने की तौफीक अता फरमा, उनके उसवे हसना पे हमें अमल करा होने की तौफीक अता फरमा, हम सभी का यहाँ पर अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मेरे बना जो दुआएं मांगे उससे भी कबूल फरमा, मेरे बना अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में मेरे बना हर एक के हक में दुनिया व आखिरत की भलाई और बेहतरी अता फरमा, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन व क़िना अज़ाबल ख़ुसरात व क़िना अज़ाबल मीज़ान। اللهم اتبع علينا قبل الموت وحبيب علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت يا رسول الله ارحمنا يا حبيب الله اسمع قولنا إن من في بحر الحم مغرق خذيتي 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 سهيلا مشكلنا اللهم ارحمنا كما ربينا سكنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة من بلد رسولك وأفرج أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल करे। तीन लोगों ने बैठ जाए। लबैक 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 तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह लबैक 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 लाक्सा तेरा मेरा रिश्ता क्या तेरा मेरा रिश्ता क्या लपेट 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 लाक्सा लपेट 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 लाक्सा इंशाल्लाह वन डे फिलिस्तीन विल बी फ्री। हेलो सब लोग खड़े हो गए। लपेट 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 लाक्सा लपेट 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 लाक्सा तेरा मेरा रिश्ता तेरा मेरा रिश्ता क्या लपेट 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 लाक्सा लपेट 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 लाक्सा तेरा आप सभी को दिल से जजा कर जो भी सारे लोग अल्लाह का उसका अज़र दे और सबकी दुआएं रुक जाओ बाकी भी है। अरे हाँ।
माइक बंद कर देना भाई, बंद कर दो, बंद नहीं तो आले दोनों आवाज आ रही है।